कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर मोदी के बयान से जो डिबेट शुरू हुई है उसका लिटमस टेस्ट सीमांचल में ही होता है। बिहार में एनडीए को चार दिन बाद सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है। इम्तिहान तेजस्वी राहुल का भी है क्योंकि 26 तारीख को जिन 5 सीटों पर चुनाव होगा उनमें से 3 सीटें उस सीमांचल की हैं जहां मुसलमान सबसे बड़ा फैक्टर है। मुश्किल यह है कि महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई को ओवैसी ने और ज्यादा टफ बना दिया है। अब सवाल यह भी है कि ओवैसी किसके कोटे से मुसलमानों का वोट काटेंगे, नीतीश कुमार या तेजस्वी या राहुल। इस रिपोर्ट में देखिए सीमांचल का मुसलमान कहां जा रहा है। दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत और सीमांचल के बेटे अकबरुल ईमान से नफरत, क्यों मोदी जी बताओ। वही करवाया है, माता पिता थी कोई किया है आज तक? आई तो जो हम किए हैं उसी पर दावा करते रहता है कि वो किया है, कुछ क्या किया है। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। हाँ, दूल्हे भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते ना वो। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, बिहार में सेकंड फेज में इन 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 3 सीट सीमांचल की हैं, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। बिहार में सेकंड फेज की सबसे दिलचस्प लड़ाई सीमांचल में हो रही है। सीमांचली सेकंड फेज का टर्निंग प्वाइंट है। मोदी विरोधियों को सबसे उम्मीद सीमांचल से ही है, ओवैसी को सबसे ज्यादा उम्मीद यहीं से है, तेजस्वी का फोकस भी यहीं है और एनडीए भी यहाँ पूरा जोर लगा रही है। इसीलिए नीतीश कुमार किशनगंज में मुसलमानों को मदरसा और कब्रिस्तान का काम याद दिला रहे हैं और ओवैसी कांग्रेस सांसद की पोल खोल रहे हैं। आई कौन करवाया मदरसा को जी? हम मदरसा को सब इंतजाम कौन करवाया? अब प्राइवेट भी मदरसा है और उसके भी पढ़ाने वाले को सरकार दे रही है, जो सरकारी स्कूल में देती है जिसको पढ़ाने वाले को वो देती है, तो उसको भूलिएगा मत। आज उसके बाद ये झगड़ा होता था तो कब्रिस्तान की कहीं घेराबंदी थी। आज जिसको पिछली बार जिता दिए वो एको को काम किया कांग्रेस का था, कोई काम किया है आज तक? 5 साल में जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। कितना चले हैं 5 साल में? 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं और यहां से हैदराबाद 9,000 किलोमीटर है। मुझे नहीं मालूम था, वरना मैं भी पैदल सफर शुरू करता तो 2-3-6 महीने में पहुंच जाता, 8 महीने में। मगर जावेद साहब बोलते हैं कि 1.5 लाख किलोमीटर 5 साल में चले। जावेद साहब, आप चले नहीं चले नहीं मालूम, मगर एक बात की तो सच्चाई जरूर है, आप में और मोदी में झूठ बोलने का कॉम्पिटिशन चल रहा है। सीएम नीतीश और एनडीए के लिए दूसरा चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ओवैसी की एंट्री से ये फेज इंडी गठबंधन में आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस के लिए अहम हो गया है। पूर्णिया और अररिया में 40% मुसलमान हैं, कटिहार में 42% और किशनगंज में 65% मुसलमान हैं। 65% मुसलमान आबादी वाले किशनगंज में सीमांचल का अखाड़ा सजा है। ओवैसी यहीं से मुसलमानों को नरेंद्र मोदी का डर दिखा रहे हैं। अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बयां बता देते हैं। और सच्चाई ये है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान वो कम हुआ है, हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। किशनगंज में ओवैसी यूं ही नहीं भागदौड़ कर रहे हैं। 2019 में AIMIM के अख्तरुल ईमान ने 26.8% वोट हासिल किए थे। हालांकि कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जीत गए थे,
उन्हें 33.2% वोट मिले थे। जेडीयू दूसरे नंबर पर थी, अशरफ को 30.2% वोट मिले थे। किशनगंज सीट पर जेडीयू ने अपना चेहरा बदल दिया है। मास्टर मुजाहिद आलम पर नीतीश ने दांव लगाया है। 5 साल में किशनगंज लोकसभा विकास से बहुत दूर चले गया। आज जो एक दूसरे उम्मीदवार हैं, जो हैदराबाद से पतंग चुनाव चिन्ह लेकर के यहाँ पर सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक वाहिद उम्मीदवार हूँ जिसको हिंदू मुसलमान अगरा पिछड़ा सुरजापुरी शेरशाबादी अंसारी बिरादरी पश्मा बिरादरी सभी जाति का समर्थन मिल रहा है। वरना दोनों उम्मीदवार आज धर्म के नाम पर नफरत के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सीमांचल के इलाके में महागठबंधन और एनडीए के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी ओवैसी फैक्टर है, इसीलिए नीतीश ने भी किशनगंज में मोर्चा संभाल लिया है। 2019 में इन 5 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू को मिली थी। बिहार में यही एक सीट थी जिसे विपक्ष जीत सकी थी। इस बार सीमांचल में एनडीए की तरफ से सभी सीटों पर जेडीयू मैदान में है, जबकि एनडीए अलायंस में कांग्रेस 3 और आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव ताल ठोक रही है। सीमांचल में ओवैसी मुसलमानों को सीएए और एनआरसी से डरा रहे हैं, नीतीश के कैंडिडेट के खिलाफ भड़का रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार पर ओवैसी पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज न उठाने का आरोप लगा रहे हैं। सी डबल ए का कानून हो, ट्रिपल तलाक का कानून हो, बल्कि मास्टर से एक बात पूछ लेना और जावेद से भी पूछ लेना। पिछला पार्लियामेंट का आखिरी सेशन था तो हुकूमत नरेंद्र मोदी की पूछा कि 22 जनवरी को बड़ा तारीखी काम हुआ था, कोई तकरीर नहीं कर सका जो हम बेबाकी के साथ बता दिए। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, ये जावेद और मास्टर को चैलेंज कर रहा हूं, तुम इस चुनाव में खड़े होकर बोलो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि मास्टर का मास्टर मोदी है और जावेद तो बेचारे उनको बोलेंगे हाँ हमारी जान निकल जाएगी। ओवैसी तेजस्वी पर भी अटैक कर रहे हैं, खुद किसका दूल्हा बता रहे हैं ये भी सुन लीजिए। तेजस्वी लगातार आप पे हमला कर रहे हैं सर, झड़ सभा में आपके नाम ले रहे हैं सर। हाँ हाँ, दूल्हे भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते ना वो। सीमांचल की लड़ाई सिर्फ किशनगंज में ही नहीं हो रही है, पूर्णिया में भी हो रही है। पप्पू यादव के निर्दलीय उतरने से पूर्णिया सीट पर आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है और बीमा भारती के उतरने से जेडीयू की चिंता बढ़ गई है। पूर्णिया सीट पर जेडीयू के संतोष कुशवाहा आरजेडी की बीमा भारती के साथ निर्दलीय पप्पू यादव की टक्कर है। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट को अपनी साख का सवाल बना लिया है, बीमा भारती के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन सीमांचल की लड़ाई सिर्फ किशनगंज पूर्णिया तक सिमटी नहीं है, पटना में भी माहौल गर्म है। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए, सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुरोध करेंगे तेजस्वी यादव जी आपसे कि आप अपने आप पर जरूर प्रयोग करते रहिए, चूंकि ईडी सीबीआई के मामले और किसानों के उत्पाद का जो सरजमी है उसको जिस तरीके से नौकरी के नाम पर आपने लिखवा लिया, तो जो सत्तू है किसान का वह अपच होगा। जेल में जो सत्तू मिल रहा है, जहां कि आपके पिता भी प्रवास किए, आपको भी जाने का मौका मिल सकता है। एकदम अनुभव बरकरार रहिए, मन भी ठीक रहेगा। तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत मुसलमान और यादव है। बिहार में 14% यादव और 18% मुसलमान है। मुस्लिम यादव फैक्टर का असर करीब 100 विधानसभा सीटों पर है। 13 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 12-67% मुसलमान हैं। इसी दम पर तेजस्वी फ्रंटफुट पर खेल रहे हैं। 2019 में भी तेजस्वी ने ही पार्टी की अगुवाई की थी, लेकिन खाता नहीं खुला। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने आरजेडी की वापसी करा दी। बीजेपी इस फैक्टर को समझ रही है, इसीलिए तेजस्वी टारगेट पर हैं।
जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का, अगर जो माँ भारती का संतान जांच कर रहा है तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है। ये नाजायज औलादों को पालने वाले को, जो आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी को पालता है, संरक्षण करता है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को अपना नेता मानता है, बिहार इस ऐसे पाप करने वाले लोगों से मुक्त करेगा। बिहार में एनडीए के 100% स्ट्राइक रेट के टारगेट में असली बाधा तेजस्वी ही है, इसीलिए बीजेपी बार बार करप्शन का मुद्दा उठा रही है, लैंड फॉर जॉब स्कैम की याद दिला रही है। उधर नीतीश कुमार भी परिवारवाद पर तेजस्वी को घेर रहे हैं। तेजस्वी भी बड़े नेताओं के फैमिली मेंबर की लिस्ट तैयार करके लाए हैं। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो बुलवा रहे लोग उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, वो 14 भाई बहन थे। सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे। मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। नीतीश कुमार हर पब्लिक रैली में तेजस्वी पर अटैक कर रहे हैं, नौकरी रोजगार का जो नैरेटिव तेजस्वी सेट कर रहे हैं, नीतीश उसका सच बता रहे हैं। बात जान लीजिए, वो लोग कहां किसी को नौकरी दिया है जी? पहले किसको नौकरी मिलता था? अब आजकल हम लोग कुछ दिन साथ रखे हुए थे तो हम ही बताए कि 10 लाख का नौकरी देने वाले हैं, तब वो अपना रहता आजकल बोलता है कि हम लोग इतना दिए, हम करवाए हैं, तब वही करवाया है। माता पिता थी कोई किया है आज तक? आई तो जो हम किए हैं उसी पर दावा करते रहता है कि वो किया है, कुछ क्या किया है? 24 के लोकसभा चुनाव में कुल 7 फेज में मतदान होना है, अभी पहला फेज ही हुआ है, 6 फेज बाकी हैं। बिहार की 40 सीटों पर भी 7 फेज में चुनाव होगा। एनडीए में मुस्लिम वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर है। जदयू के साथ जो सॉफ्ट मुस्लिम वोटर हैं, उन्हें अगले 6 चरणों में साथ रखना है। लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और अगर लड़की इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी उसका सर्वे करवाया, तो अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास तो यहां भी प्रजनन दर 2, और लड़की अगर इंटर पास है तो हमको मिल गया प्रजनन दर 1.6। तो मुझको इतनी खुशी हुई कि भाई इसके लिए हमको लड़कियों को और पढ़ाना चाहिए। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती, लेकिन किशनगंज में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। सीमांचल की सीटों पर ओवैसी जितना भी वोट हासिल करेंगे वो महागठबंधन के कोटे से कटने वाला है, इसका सीधा फायदा एनडीए को होगा।